अखिल भारतीय वीर गुज्जर सभा द्वारा करनाल मानव सेवा संघ के करंट पार्क में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय संरक्षक नरेंद्र गुज्जर ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर प्रतिहार चौहान परमार और सोलंकी के गुज्जर होने के प्रमाण राष्ट्रीय संरक्षक नरेंद्र गुज्जर द्वारा दिए गए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पोस्ट डाले जा रहे हैं, जिसमें वह गुज्जर सम्राट मिहिर भोज को राजपूत लिख रहे हैं, जिस पर अखिल भारतीय वीर गुज्जर महासभा द्वारा आपत्ति जताई गई है। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा देश में जाति संघर्ष करवाने की साजिश रची जा रही है, साथ ही गुज्जर समाज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर वीर गुज्जर महासभा के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। शताब्दी से लेकर के और 13वीं शताब्दी तक का जो ये काल है भारत का, ये गुर्जर काल है। और इस तथ्य की स्थापना जो संविधान सभा के जो मेंबर थे और संविधान सभा की जो सर्वाधिक कमेटियों के मेंबर थे, श्री कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, जो गुजरात के ब्राह्मण विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वानों में उनकी इतिहासकारों में गणना आती है, वो गवर्नर भी रहे कई प्रांतों के, तो के एम मुंशी ने इस पर जोर देकर के लिखा। उन्होंने इस इतिहास को स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि इतिहास में गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई थी, उदयपुर के जो इतिहासकार थे, जो राज्य मंत्री थे उदयपुर राज्य के ओझा, उन्होंने जो है गौरी शंकर ओझा ने इस पूरे काल को राजपूत काल लिख दिया। इससे पहले कर्नल टाड ने जो है जो पूरे इस काल को इसी प्रकार से लिख दिया। तो उन दोनों के जवाब में के एम मुंशी ने ये पुस्तक देश की आजादी के समय लिखी, उसके थोड़े दिन बाद ही, और उन्होंने उसमें इस बात की स्थापना की, द ग्लोरी दैट वाज गुर्जर देश, उन्होंने दी गई है जिनका किसी भी प्रकार का आदेश नहीं है, उनको परिवर्तित किया जाए और सही साक्ष्य के आधार पर इतिहास में संशोधन हो। और ये हम इसलिए भी कहना चाहते हैं कि जो ये राजा थे और जो इनके वंशज जो है, लगातार उन्होंने फिर बागी होकर के कई सौ सालों तक प्रतिरोध किया, गुरिल्लावाद लड़े, जो जंगलों में भटकते भटकते पिछड़ी और ऐसी स्थिति में चले गए कि शिक्षा और समाज के संपर्क से कट गए, तो कम से कम उनको उनका ये जो बलिदान का, जो त्याग का, जो शौर्य का उनका अध्याय है, कम से कम वो उसके हकदार है, ये न्यायपूर्ण मांगे कि कम से कम वो उनका नाम तो उनके साथ सुरक्षित रहे। फिर इनके हिस्से में क्या आया, इनके हिस्से में जब ये बागी हो गए, जंगल में चले गए, तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो चोर है, ये तो डाकू है, ये लुटेरे हैं, अंग्रेजों से संघर्ष किया तो उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स में डाल दिया, हिस्ट्री का ऐसे अपहरण हुआ। तो हमारी ये मांग है कि जो इतिहास जो है वो ठीक प्रकार से लिख करके उसको सत्यता के आधार पर इसमें संशोधन किया जाए, ये सरकार से मांगे। जो अपने होते हैं सभी के लिए सम्माननीय होते हैं, शहीद जो है वो सबके लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं, इसलिए शहीदों का सम्मान सभी राष्ट्रभक्तों को करना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि अगर हम ये बात कर रहे हैं, देखिए इतिहास का कोई भी महापुरुष हो, उस पर किसी एक जाति का ही अधिकार नहीं होता, वो पूरे समाज और राष्ट्र का होता है। पर जब आप इतिहास पढ़ाएंगे तो गलत तथ्यों के आधार पर नहीं, अगर ओरिजिन बताएंगे किसी का कि वो कहाँ का ओरिजिन था, किस वंश का था, किस कुल का था, तो उसको गलत ना बताया जाए, उसको सही बताया जाए। और कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी उनसे प्रेरणा ले, उनके जन्मदिन को मनाए, उनके साथ में जुड़ करके बड़े से बड़े उनके नाम पर अभियान चलाए, प्रकल्प चलाए, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.